लास्ट वक्त मैंने आपसे बात की थी कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्रामर की। लाइक आपको पता होना चाहिए कि बी ग्रुप क्या होता है, आपको पता होना चाहिए हैव ग्रुप क्या होता है, टेंस क्या होता है, हैव टू ग्रुप, एंड थोड़ा बहुत आपको क्लॉज की नॉलेज हो और थोड़ा बहुत डब्ल्यू एच वर्ड पता हो आपको। ओके, तो इन जब आप बेसिक जानने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ईज़ली इंग्लिश बोल सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल टर्म्स को जानना शुरू कर देते हैं, और जब इन सब चीज़ों को जानना शुरू कर देते हैं तो उस फेज़ में उनको प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे आप बहुत ज़्यादा जब सोचने लगते हैं तो आप किसी वर्ड के बारे में सोचने लगे कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है या एडवर्ब है। जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं और इस टर्म्स में सोचने लगते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज़ जैसे ही आप इन सब टर्म्स को ज़्यादा सोचने लगेंगे तो आप इन सब को यूज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि आप एडजेक्टिव यूज़ करें या एडवर्ब यूज़ करें या दूसरे ग्रामेटिकल टर्म्स यूज़ करें और ये सही है या नहीं है। तो जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीकिंग है वो स्लो हो जाती है। ओके, और आप बोलने में आपको प्रॉब्लम आने लगती है, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि जो मैं ये सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ इसमें जो मैंने एडवर्ब यूज़ किया या मेरा एडजेक्टिव यूज़ किया ये सही है या गलत है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ना जाए, आप बेसिक ग्रामर की नॉलेज रखें, आप बी ग्रुप जाने, हैव ग्रुप जाने, टेंस जाने, क्लॉज जाने, थोड़ा डब्ल्यू एच वर्ड्स जाने, इन सब चीज़ों को जाने, और बाकी आप यूज़ करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। ओके, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल टर्म्स में ना जाए। ओके, आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स को जानने की कोशिश ना करें कि आप ये वर्ड सही है गलत है। ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप बोलना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप सुनना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा यस आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड्स इन दैट वे। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा, एंड इससे क्या होगा कि आपको आपकी स्पीकिंग पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल टर्म्स में सोचने लगे तो विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग। ओके, तो आप ज़्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज डेवलप करने की कोशिश ना करें, और ज़्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज से ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। ऑटोमेटिकली ऐसा बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपको इस प्रोसेस के थ्रू, इंग्लिश सिर्फ एक ड्यूरेशन नहीं है कि आप एक ड्यूरेशन आपने स्पेंड किया एंड यू वुड लर्न एवरीथिंग, नो, ये आपको प्रोसेस के साथ समझ आता है। ऑटोमेटिकली कुछ टाइम लगता है आपको समझने में और उसे अप्लाई करने में। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए एंड अप्लाई दिस। थैंक यू।